मेरा भी पर्सनल एक सवाल है आपसे कि जी। प्यार क्या है, ना सिर्फ आपके हिसाब से, आपको जो लगता है कि अगर किसी को समझना हो कि प्यार क्या है, क्योंकि प्यार की परिभाषा सिर्फ रिलेशनशिप लड़के और लड़की के बीच में नहीं, माँ बेटे के बीच में है, पति पत्नी के बीच में है, एक बेटे और एक बेटी के बीच में, सबके बीच में, और पूरे संसार को कहा जाए कि प्रेम से रुका और पूरा जो मानव सभ्यता बढ़ी वो प्रेम के दम पे बढ़ी, सो वहां पे प्यार क्या है? मैंने जैसे पहले भी कहा कि प्रेम केवल समर्पण है। अच्छा, हमारी क्या गलती होती है, हम एज ए ह्यूमन बींग प्यार के पीछे दौड़ते हैं, और जिस चीज के हम पीछे दौड़ते हैं वो हमसे और ज्यादा तेज दौड़ती है जी। तो प्यार हम दूसरों में ढूंढते हैं, शांति से बैठो और अपने अंदर ढूंढो। प्यार या कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि आप इसमें जो बांटेंगे वो लौट कर आपके पास आएगा। इंसान की प्रॉब्लम क्या है, उसको इंस्टेंट चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मैंने अभी उससे प्यार किया वो भी मुझसे इतना ही करें जी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप ना, अच्छा अभी मैं ओपन माइक, वैसे तो हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ होती है, कुछ कुछ राइटर्स को मैं देखती हूँ वहाँ पर परफॉर्म करते हुए, कल तक उनको प्यार था, आज उनका ब्रेकअप हो गया, तो वो अगले दिन एक्स को गाली दे रहे होते हैं। हाँ, पोएट्री जी। वो चुड़ैल थी, वो कमीनी थी, मैंने लिटरली ये वर्ड सुने हैं जो कि मुझे बहुत हर्ट करता है। अच्छा, लगाना और जिस इंसान से आप प्यार करते थे कल तक, अगर वो प्यार था तो आज उससे नफरत कैसे हो गई? तो वो आपकी वांट थी, वो आपकी भूख थी, आपको कुछ उससे चाहिए था और वो आपको नहीं मिला, तो अब आप उसको नफरत कर रहे हो। तो प्यार का एक ही रूल है, जितना आप अपने अंदर ढूंढेंगे कि मेरे अंदर मैं प्यार से भरा पड़ा हूं और मैं मेरी जिंदगी में जो आता है बिना एक्सपेक्टेशन के सिर्फ बांटता चला जाता हूं, और ये उम्मीद मत कीजिए या ये इंतजार मत कीजिए कि अभी आ जाए, लेकिन जब आप इंतजार करेंगे ना तो आप सच में देखना इतने अनएक्सपेक्टेड वे में और ऐसे ऐसे लोगों से आएगा कि आप सोचते रहेंगे क्या मैं सच में काबिल भी हूं इतने प्यार के जी। प्रॉब्लम ये है कि हम इंतजार नहीं कर पाते हैं और हम ब्लेम करते हैं कि यार प्रेम या प्यार जो है वो बहुत बुरी चीज है, वो आपको सिर्फ दर्द देती है, लेकिन प्यार का जो इंतजार करता है ना वो, उसको पता होता है सच में कि वो दर्द कितना वर्थ था, वो इतने अनएक्सपेक्टेड वे में और इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई होके आता है। मेरे पास ही कितना आता है, मैं तो खुद कह रही हूँ, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। मैं कह रही, इतना तो मैंने कुछ किया भी नहीं, बट आप सच में देखोगे अगर आप प्यार से ही अपनी लाइफ को रन करो कि जो भी इंसान आ रहा है आप सिर्फ उसको प्यार देते जाओ, प्यार से बात करो, नॉट इनकी लड़का लड़की की सेंस में, इवन आपका कोई अगर पार्टनर भी आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, तो उसको भी आप इतना एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ ये भी मुझसे इतना ही करे, आप अपना पार्ट प्ले करते रहो, वो ना सही कोई और आपसे भी ज्यादा आपसे प्यार करेगा फिर आकर। कहते हैं कि दोस्ती जो है, दोस्ती पे आते हैं, प्यार एक अलग है। हाँ, दोस्ती, दोस्ती की बुनियाद भी प्यार होती है जी, और उसमें आप देखेंगे कि सारे रिश्तों में कहीं ना कहीं आज के जब लोगों को देखेंगे तो उनको उम्मीद होती है कि इस मैंने ये किया है तो उसके बदले ये, लेकिन आप दोस्ती में देखेंगे, दोस्त आपने फील किया होगा कॉलेज लाइफ में, मैंने फील किया, वहां दोस्ती में सामने वाला कभी नहीं देखता कि अच्छा इनने क्या किया मेरे लिए, किसी ने क्या किया, वो करते चला जाता, और एक 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 होता है ना बावरापन होता है एक पीछे से कि हाँ चलो कर देते हैं, उसमें कभी सवाल नहीं उठता कि मैं तेरे लिए क्यों करूं, तो उस दोस्ती पे क्या? यही यही मैं चीज कह रही थी। अच्छा, मैंने एक लाइन लिखी थी कि महज खून के रिश्तों से अगर अपनों की पहचान होती तो जिंदगी में कभी अपनों की पहचान ना होती जी। ये दोस्तों के लिए लिखी थी, उनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता फिर भी कर देते हैं। अच्छा, खून के रिश्ते कभी कभी नहीं करते हैं, है ना, वो अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। तो अगेन वही चीज आती है कि जो दोस्ती में प्यार होता है ना, वहां पे आपकी इच्छा खत्म हो गई है कि जितना मैं कर रहा हूं उतना ही ये करे, लेकिन जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वहां प्यार खत्म हो जाता है। मैंने एक पॉडकास्ट में भी कहा था ये कि जैसे ही रिलेशनशिप वर्ड आ जाता है प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है जी, है ना, क्योंकि कहीं वहां आप उम्मीद ले आए, और प्रेम का उम्मीद से कोई लेना देना ही नहीं है, प्रेम का नाम तो सिर्फ देना है, तो दोस्ती में वो प्रेम होता है जो निश्चल होता है, निस्वार्थ। हाँ, निस्वार्थ होता है। तो यही है। अब जरा आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे, वो छोटे सवाल हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा, सो दिस इज बहुत आसान क्वेश्चन जी। योर फेवरेट पर्सन ऑफ योर लाइफ? माय सन। ओके, योर फेवरेट बुक? लड़के रोते नहीं। ओके, इसके अलावा रश्मि रथी मुझे बहुत पसंद है, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ जी, बहुत पसंद है। फेवरेट पोएट? अगेन रामधारी सिंह दिनकर। ओके,
योर फेवरेट ओपन माइक आर्टिस्ट? ओपन माइक आर्टिस्ट, क्योंकि आप इस फील्ड से, जिनको मैंने लाइव देखा हो जी, आपको जो पसंद हो, जो आप एनी डे मतलब सुन सकते हैं आप, जिन्हें हर दिन। देखो ओपन माइक तो नहीं करते, जो अपने कवि हैं कुमार विश्वास जी, वो जी, मुझे जी. बहुत पसंद हैं। बट ओपन माइक में बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं यार। एक मेरे दोस्त हैं रेहान, वो बहुत अच्छा करते हैं। एक मेरी दोस्त हैं शारिका, वो बहुत अच्छा करती हैं। एक मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, मुंबई के हैं शुभम श्याम, आपने देखा होगा जी. एक भूपेंद्र हैं, वो भी करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी लोग हैं। एक ऐसी लाइन जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो, आपके दिमाग में हमेशा बनी रहती हो कि आप नहीं ये नहीं करेंगे, आप उसी पर रहेंगे, एक कोट? जब नाश मनुज पर छाता है पहले भी विवेक मर जाता है जी। तो ये रामदास सिंह दिनकर जी की है। मुझे एक अंतिम की एक बेस्ट एडवाइस फॉर टुडेज जनरेशन जो अभी प्यार वगैरह में पड़े हुए। मैं बस यही कहूंगी कि देखो प्यार, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया कि प्यार आ जाएगा, उसके पीछे मत दौड़ो, बस इंतजार करो और जितना अपने अंदर खोजो कि आपके पास कितना प्यार है, और वो इधर उधर चाहे कुत्ते बिल्ली में सही, चाहे दोस्तों में सही, चाहे बच्चों में सही, बांटते जाओ। और जहाँ पर आप बिना उम्मीद के बांटोगे ना, आप देखना कितनी खूबसूरती से आपको सामने वाले की आंखों में दिखना शुरू हो जाएगा कि वो भी आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है जी, वीडियो के अंत करेंगे जी। बस आपकी एक पंक्ति चाहिए जो शायद आपने ना लिखी हो, आप लिखने वाली हो, सो जो मैंने किताब में ना लिखी हो। हाँ, एक एक्सक्लूसिव जो सिर्फ हमारी वीडियो के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। या आपकी कोई फेमस कविता जिसको आपको बहुत पसंद है? मैंने वो लिखी थी एक, हालांकि शायद किताब में नहीं है, कि तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, गीता और कुरान का जमाना नहीं होता, और कृष्ण के बिना भी केवल कृष्ण से प्रेम करें, मीरा सहर कोई दीवाना नहीं होता। वाह।